मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये डेमो है, पूरे वीडियो के साथ बने रहें। इस पूरे गीत को आपको नोटेशन के साथ बताऊंगा, ताल के साथ भी बताऊंगा। पूरा वीडियो जरूर देखें। आइए एक अंतरा गुनगुनाते हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। जय श्री गुरुदेव मित्रों, मैं आनंद दुर्गेश आप सभी संगीतकारों का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में बहुत ज़बरदस्त गीत भगवान श्री रामचंद्र जी का लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। नोटेशन के साथ बताऊंगा, ताल के साथ भी बताऊंगा। अभी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है, पूरे देश में उत्सव है, दिवाली का माहौल होने वाला है। तो उसी उपलक्ष्य में ये गीत प्रभु श्री राम जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सब लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आप लोग भी इसको गुनगुनाइए। आप लोग गुनगुना रहे होंगे क्योंकि काफ़ी पॉपुलर गीत है और आजकल हर कोई इस गीत को गा रहा है। तो सोचा इसी गीत को आपको सिखाऊं, हारमोनियम पे कैसे गाना है, बजाना है। आइए सबसे पहले स्केल समझते हैं, फिर स्वर समझते हैं और फिर गीत शुरू करते हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि एक एक शब्द की नोटेशन बताऊंगा और बहुत इजी गीत है, आप आसानी से बजा लोगे, गा लोगे। ताल के साथ भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो स्केल देखिए, डी शार्प से बजाने का अंदाज है। आप सी शार्प से भी ले सकते हैं, एफ शार्प से भी गा सकते हो, जिसकी जो स्केल है। पर डी शार्प मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो गीत है मैक्सिमम धेवत तक जाता है। तो आप यदि इसको सी शार्प से गाएंगे या ए शार्प से गाएंगे तो थोड़ा नीचे हो जाएगा, इसलिए मैंने एक मीडियम स्केल लिया है डी शार्प। काली दो बजाने का अंदाज भी यही है। स्वर देख लीजिए, सभी शुद्ध हैं। सा रे गा मा पा धा, बस यहीं तक ये गीत। धा पा मा गे सा, बस सा से धा। बहुत इजी गीत है, बहुत इजी नोटेशन भी है, लेकिन बहुत प्यारा गीत है, बहुत मेलोडियस गीत है। तो ज़रूर सीखिए इस गीत को, इतना चलन है तो कोई भी गा सकता है आराम से इस गीत को। मेल फीमेल दोनों डी शार्प से भी गा सकते हैं, सी शार्प से भी गा सकते हैं। तो आइए पहली लाइन देखते हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज सारे गरे सा, मेरी झोपड़ी सा सारे, मेरी झोपड़ी के सा सारे ग, मेरी झोपड़ी के भाग आज सा सारे ग रे सा, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। नोटेशन सा सारे ग रे सा, सारे ग रे सारे सा। शब्द ज़्यादा है, स्वर कम है, तो आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बिठाना है।
मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो गाने के भाव को भी पकड़ना है, क्योंकि राम जी आ रहे हैं तो कितना मन में एक उत्सव है, मन को अच्छा लग रहा है, मन में एक बहुत सुंदर भाव आना चाहिए, एक प्रेम का भाव आना चाहिए, एक समर्पण का भाव आना चाहिए, तो तभी ये सुंदर होगा। तो फीका फीका नहीं लगना चाहिए, आपको पूरा भाव में गाना है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अगली लाइन पास है, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आ पा पा धा पा मा, राम आएंगे आएंगे पा पा धा पा मा गरे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मगरे सा, पा 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 धा पा मगरे मगरे सा। ये नोटेशन है, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, पा 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 धा पा मगरे मगरे सा, राम आएंगे। थोड़ा सा डिफरेंट भी बना सकते हैं, सा को टच कर सकते हैं। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, पा धा सा धा पा मगरे मगरे सा। तो सा को भी टच कर सकते हैं, तो एक नया एक इफेक्ट मिल जाएगा आपको। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे, तो ये सुंदर बनाना है आपको भाव से। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ठीक है, आइए अंतरा देखते हैं, पास लेना है अंतरा भी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, सेम नोटेशन है, राम आएंगे राम आएंगे, वो जो अभी हमने गाया है उसी नोटेशन पर है अंतरा भी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, पा 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 धा पा मगरे मगरे सा, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। सेकेंड लाइन, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, पा 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 धा पा मगरे मगरे सा, पा 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 धा पा मगरे मगरे सा, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप सारे गरे सा, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप सा सारे गरे सा मिट जाएंगे, सारे ग मिट जाएंगे राम आएंगे, सारे गरे सारे सा। तो ये नोटेशन सेम नोटेशन है, जो स्थाई की है वही है अंतरे की भी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। ठीक है, तो ये स्थाई अंतरा हो गया, आइए पूरे गीत को ताल के साथ देखते हैं। सातवीं मात्रा से आपको शुरू करना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, धागे ना तीनक धीन धागे ना तीनक, एक दो तीन चार पाँच छ, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे।
घड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सेकंड का देखिए, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागाज खुल, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगी, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम। थैंक यू। तो इस तरीके से आप लोग गा सकते हैं, नोटेशन आपको बता दी है, ताल भी बता दी है। खूब सारा अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, खूब उत्सव मनाइए, दिल से गाइए, झूमिए, नाचिए, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री गुरुदेव। अगले वीडियो में नए अंदाज में नई जानकारी के साथ।